हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ संदीप डांगी, टीम जूलॉजी, सीएलसी सीकर। सीएलसी सीकर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे माइनर टू टेस्ट सीरीज में अपने पास में से जो 23 के अंदर अपने पास पेपर लगेगा, इसके अंदर अपने पास में जो टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम। और इस टॉपिक में अपन डिस्क्राइब करेंगे हेमिकोडेटा। हेमिकोड यानी कि नॉन कोऑर्डिनेट्स तक अपन जो भी अपने पास में सिलेबस है उसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। इसके क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर पोरीफेरा? निम्न में से कितने कथन पोरीफेरा के लिए सही है? स्केलेटल मेड अप ऑफ स्क्यूट्स, ये रॉन्ग हो गया। कंकाल प्रश्नको से निर्मित होता है, गलत। ये अपने पास में रेप्टाइल्स के लिए सही होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये राइट है। आंतरिक निषेचन होगा। लार्वल स्टेज फिजियोलॉजिकली सिमिलर फ्रॉम द एडल्ट, लार्वा शारीरिक रूप से वयस्क के समान होगा। वयस्क से क्या होता है, वो अलग होगा, समान नहीं होगा, इसलिए अपने पास में भी क्या हो गया, गलत हो गया। सीलियरी कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट, पक्षमाभिकीय कोइनोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की समरी पढ़ी है तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो कोइनोसाइट होती है या कोलर सेल्स होती है, हिंदी में कीप कोशिकाएं होती हैं, तो उनके अंदर अपने पास में फ्लेजुलर मूवमेंट होती है। फ्लेजिला, इसको कहते हैं अपन लोग कसाबी के, कहेंगे हिंदी के अंदर, तब जाके अपने पास में क्या होता, सही होता। लेकिन ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ, तो इसमें एक ही ऑप्शन सही अपने पास में, कौन सा, बी वाला, तो इसके अंदर जाएगा फोर्थ ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्न में से कितने कथन सत्य है? टिनोफोरा होगा, वो अपने पास में स्मॉलेस्ट फाइलम होता है, टिनोफोरा सबसे छोटा संघ होता है। ऑल मोलस्कन हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी मोलस्का में खुले प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। कैसे, मोलस्का में अपने पास में एक क्लास आते हैं जिसे अपने कहते हैं सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा, जिसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ऑक्टोपस होता है। और ऑक्टोपस में अपने पास में किस टाइप का होगा, क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण होगा, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। वोटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन पोरीफेरा, जल नाल तंत्र पोरीफेरा संघ में पाया जाता है, सही है ये। थ्री टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर आर प्रेजेंट इन एडम्शिया, एडम्शिया किसका एग्जांपल है, सिलेंडेटा का। और अपने पास में सिलेंडेटा और टिनोफोरा होंगे, वो तो कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब उसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और मेसोडर्म क्या होगा, एबसेंट होगा, इसलिए दो ही जर्मिनल लेयर होते हैं, दो ही जननी किस तरह होंगे उसके अंदर, तो यहां पर ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसके अंदर दो ऑप्शन सही है, ए एंड सी, तो दो, थर्ड ऑप्शन जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 153, हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिलेटेड विद एनिलिडा, एनिलिडा से कितने बिंदु संबंधित है? चलो, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, अंधकोश शारीरिक योजना, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। पहले तो अपन बात करेंगे ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता क्या है, कि जब अपने पास में कोई एनिमल उसके बॉडी के अंदर केवल एक ही पोर प्रेजेंट हो और वो पोर अपने पास में माउथ के समान और एनस के समान काम करे, तब इस प्रकार की शारीरिक योजनाओं क्या कह देते हैं, ब्लाइंड सेक कह देते हैं। और ऐसे एनिमल के अंदर डाइजेशन होगा वो इनकम्प्लीट होता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो तीन एग्जाम्पल होंगे अपने पास में, सिलेंडेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमेंथीस। चलो, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि एनिलिडा में क्या होगा, एनिलिडा में होते अपने पास में ट्यूब विद इन ट्यूब, विद इन ट्यूब, नली में नली प्रकार की योजना। यहां पर क्या होगा, माउथ के साथ साथ एनएस भी होगा, दो रंध्र पाए जाएंगे, टू पोर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी, और एक अपने पास माउथ के समान काम करेगा और एक इसके समान एनएस के समान काम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ये जो फर्स्ट पॉइंट हो गया, गलत हो गया। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, खुले प्रकार का परिसंचरण, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। जनरली अपने पास में एनिलिडा के अंदर किस टाइप का होगा, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है, और यहीं से सर्कुलेशन की क्या होती है, स्टार्ट होती है। रेडियल सिमेट्री, अरियस समिति, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। एक्टोडर्म प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो अपने पास में कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेसोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होती है। चलो, मेसोगैलिया क्या होती है, एबसेंट होती है। हिरुडिनेरिया इसी का एग्जाम्पल है, जो ब्लड को शक करती है। और इसके अंदर जो होता है वो होगा अपने पास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर, ये एक्सेप्शन है, एक ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। तो यहां पर अगर देखी जाए बात अपने पास में, तो 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन इसके अंदर रिलेटेड करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन जाएगा इसके अंदर।
154, उपरोक्त सभी लक्षण किस संघ से संबंधित है? ऑल ऑफ दिस कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन फाइलम। ओके, चार फाइलम है, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकोडर्मेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों की तीनों कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री के बारे में बात करें तो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोड्रेमेटा, सॉरी एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन तीनों में अपने पास में कौन सी सिमेट्री होती है? लार्वल और एडल्ट में बाइलेटरल सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति होती है। लेकिन इकाइनोड्रेमेटा के जो एडल्ट होंगे उसके अंदर तो रेडियल, और जो अपने पास में लार्वा होंगे उसके अंदर बाइलेटरल। तो जनरली अगर बात की जाए अपने पास में, जब तक लार्वा और एडल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे तो हमेशा कौन सी सिमेट्री के बारे में बात करेंगे? रेडियल के बारे में बात करते हैं, अरीय सममिति के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर आ गया फोर्थ आ जाएगा। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और ये ड्यूटेरोस्टोम में भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पहले किसका फॉर्मेशन होगा? एनस का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद में किसका होता है? माउथ का। ऐसे एनिमल जिनके अंदर पहले एनस का और बाद में माउथ का फॉर्मेशन होता है वो ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं, और जिनके अंदर पहले माउथ का होता है उसके बाद में एनस का होगा वो क्या कहलाएंगे? प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं दोस्तों, प्रोटोस्टोमिया। तो यहां पर अपने पास में एक ही ऑप्शन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अंग के अंदर प्रकार का शारीरिक संगठन होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है, ये अपने पास में क्या होगा? सही होगा, तो फोर्थ ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। 155, कितने जंतुओं का शरीर सूलयुक्त होगा? हाउ मेनी एनिमल्स हैव स्पाइनी बॉडी? स्पाइनी बॉडी का मतलब होगा इकाइनोडर्मेटा के बारे में बात करेगा वो। तो सी पेन, इसे अपने कहते हैं पेनिटूला, ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये होगा सिलिंड्रेटा का। सी लिली एंटीडोन, इकाइनोडर्मेटा। सी हेयर एफ्रोडाइट, मोलस्का, एप्लाइसिया, सॉरी। सी फैन, सी फैन जो होगा वो अपने पास में गोरगोनिया, सिलिंड्रेटा। और सी अर्चिन, इकाइनस, ये अपने पास में इकाइनोड्रेमेटा। तो दो एग्जांपल अपने पास में किसके होंगे? इकाइनोड्रेमेटा के होंगे, जिनकी बॉडी पर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। तो 155 में 3। 156, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग अबाउट हेमिकोडेटा? हेमिकोडेटा के संबंध में कौन सा कथन है गलत है? तो बॉडी इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, शरीर को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तीन भाग कौन कौन से होंगे? हेड होगा, प्रोबोसिस होगा, सॉरी हेड प्रोबोसिस, सॉरी प्रोबोसिस होगा, कॉलर वाला पार्ट होगा, एंड ट्रंक वाला पार्ट होता है। तीन भाग होते हैं। हेमिकोर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब क्लास अंडर फाइलम कोर्डेटा। क्लास नहीं आएगा अपने पास में यहां पे, यहां पर आएगा सब फाइलम। स्टार्टिंग के अंदर जो हेमिकोर्डेटा था उसको कोर्डेटा के सब फाइलम के अंदर कंसिडर किया गया, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम इसको नॉन कोर्डेट्स मानते अपन। हेमिकोर्डेटा को पहले कशेरुकी संघ के एक उपवर्ग, उपवर्ग नहीं आएगा अपने पास में, उप संघ आएगा, के रूप में रखा गया था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इकाइनोड्रेमेटा इज प्रोबोसिस ग्लैंड, ये अपने पास में क्या हो गया? ये भी इनकरेक्ट है, लेकिन यहां पे बात की हेमिकोर्डेटा के लिए अपने पास में कौन सा इनकरेक्ट होगा? स्टोमोकोड इज ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, ये अपने पास में सही होगा, जो कॉलर वाले पार्ट के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होता है। स्टोमोकोड अल्पविकसित संरचना होती है, सही है ये। तो इसके अंदर जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड, थर्ड इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अपने पास में काइनोड्रेमेटा के बारे में बात नहीं करें, अपने बात किसके बारे में करें? हेमिकोडेटा के बारे में, इसलिए सेकंड ऑप्शन जाएगा इसमें। 157, उच्च पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? हाई मैक्सिमम या रीजनरेशन कैपेसिटी होगी वो किसके अंदर होती है? वो पाई जाएगी अपने पास में प्लेनेरिया में, जो प्लेटी हेलमिंथेज का क्या होगा? मेंबर होगा, प्लेटी हेलमिंथेज। और इसी का एक नाम और होता है, क्या कहेंगे इसको? डुगेशिया भी कहते हैं लोग। तो इसके अंदर जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा थर्ड। 158, जैव संदीप्ति है, बायोलुमिनेंसी है, ये जो कैरेक्टर होगा वो अपने पास में किसका होगा? टिनोफोरा का होगा। और बायोलुमिनेंसी का मीन्स ये होता है कि जब अपने पास में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो अपनी बॉडी से लाइट को क्या करेगा? इमिट करेगा, वो क्या कहलाएगा? अपने पास में बायोलुमिनेंस कहलाती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इनकरेक्ट, निर्जीव से प्रकाश का उत्सर्जन। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमाइट लाइट, सजीव जीव से प्रकाश का उत्सर्जन। तो इसके अंदर जाएगा अपने पास में सेकेंड ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। 159, वॉटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन, जल नाल तंत्र पाया जाएगा। तो जल नाल तंत्र के बारे में बात करेंगे, वो अपने पास में किसका कैरेक्टर होता है?
पोरीफेरा का स्पंज का कैरेक्टर होता है, तो इनमें से स्पंज का कौन सा एग्जाम्पल होगा? सी माउस, समुद्री चूहा, ये एग्जाम्पल अपने पास में किसका होता है? एनिलिडा का, एफ्रोडाइट कहते हैं इसको अपन लोग। बीटल स्टार ये किसका है? इकाइनोडर्मेटा का है, भंगूर तारा ओफियोरा। सी अर्चिन इकाइनस ये भी किसका है? इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है ये, इकाइनोडर्मेटा। और लास्ट आता है समुद्री पंखा सी फैन, जिसे अपन कहते हैं गोरगोनिया। ये अपने पास में सिलेंडेटा का एग्जाम्पल होगा, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? फोर्थ ऑप्शन जाएगा। 160 सेलेक्ट द मिसमैच, गलत मिलान को पहचानिए। एक तरफ एनिमल दे रखा है और दूसरा अपने पास में क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। तो प्रोन होगा, प्रोन यानी कि झींगा, जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे? गिल्स पाए जाएंगे, ये अपने पास में करेक्ट है। ये इंसेक्ट होगा, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए, ट्रेकिया होगा, ये भी करेक्ट है। ये लिमुलस, जो अपने पास में लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल। और लिविंग फॉसिल्स का मीनिंग होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जब भी इनका अपने पास में ओरिजिन हुआ था तब से लेकर एट द प्रेजेंट टाइम तक इनमें अपने पास में कोई भी चेंजेस नहीं आए, इवोल्यूशनरी चेंजेस आए नहीं, इसे क्या कह देंगे? लिविंग फॉसिल्स कह देते हैं। लिमुलस के अंदर बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए, ये करेक्ट होगा। स्कॉर्पियोन, बुक गिल्स होती है, इनकरेक्ट हो गया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे अपने पास में? बुक लंग्स होती है, इसलिए मिसमैच होगा। कौन सा होगा? फोर्थ होगा, तो इसके अंदर जाएगा फोर्थ आंसर। नाउ 161 Which one of the following is not correct about नेरिस? निम्न में से कौन सा कथन नेरिस के लिए असत्य है? नेरिस इज डायोसियस, नेरिस एकलिंग होगा, ये क्या है अपने पास में? करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल होंगे, वो क्या होंगे अपने पास में? अलग अलग सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। और ये किसका मेंबर होगा? एनिलिडा का मेंबर होगा। नेरिस हैज वेंट्रल पैरापोडिया, पैरापोडिया ये वेंट्रल नहीं आएगा, ये कैसा आएगा? लेटरल पैरापोडिया आते हैं। इसकी अधर्शता पर क्या पाए जाएंगे अपने पास में? पैरापोडिया पाया जाता है, जो अपने पास में स्विमिंग में या तैरने में हेल्पफुल होंगे। क्लोज टाइप सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होगा, ये करेक्ट है अपने पास में, बंद प्रकार का प्रेसिडेंट पाया जाता है। नेरिस इज लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट, और वो अपने पास में कैसा होगा? जलीय आवास में निवास करता है, ये भी सही होगा। तो इसके अंदर सेकंड क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, तो इसके अंदर जाएगा सेकंड। अदर की जगह पर यहां पर क्या आना चाहिए था? पार्सो, यानी कि वेंट्रल की जगह पर लेटर आना चाहिए था। 162 अंतरा कोशिका और बाह्य कोशिका प्रकार का पाचन पाया जाता है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर टाइप्स ऑफ डाइजेशन आर प्रेजेंट इन, ये अपने पास में तीन ऐसे फाइलम होते हैं जिसके अंदर इंट्रासेलुलर भी होगा और इंट्रासेलुलर भी होगा, बोर टाइप का डाइजेशन होगा। कौन कौन से? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एक आएगा प्लेटी हेलमिंथेस, ये तीन ही आते हैं। तो इसके अंदर जाएगा अपने पास में इन तीनों में से थर्ड जाएगा। स्पंज और प्रोटोजोआ में इंट्रासेलुलर होता है और इसके अंदर कैसा होगा? एक्स्ट्रासेलुलर होता है, एसके हेलमिंथेस, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा इसके अंदर 162 में। 163 मोलस्का संघ के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? इज नॉट करेक्ट अबाउट मोलस्का। शरीर तीन अंगों में विभाजित होगा, बॉडी इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, ये करेक्ट होगा। सबसे पहले हेड आएगा, फिर अपने पास मस्कुलर फुट आते हैं, और एक आएगा अपने पास में विसरल हम्प, ये अपने पास में चलने का तैरने का काम करेंगे। इसके अंदर इसके इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर अपने पास में क्या प्रेजेंट होंगे? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं हेड के एंटीरियर पार्ट पे। मोलस्का हैज हार्ड स्किन, रॉन्ग हो गया। मोलस्का अपने पास में वर्ड से अपने पास में किससे बनाए? मोलिस से, मोलिस। और मोलिस का मीन क्या होता है? सॉफ्ट होगा, यानी कि कोमल होता है। तो इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होगी? अपने पास में सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। और उसके ऊपर अपने पास में बाहर की तरफ किसका आवरण होगा? ये अपने पास में कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ताकि उसको एक्सटर्नल डैमेज से क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया सेकेंड। मेंटल एक्टिविटी प्रेजेंट इन मोलिस का, ये अपने पास में इसका यूनिक फीचर है कि स्किन और विसरल हम के बीच में क्या प्रेजेंट होगी? मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है। रेडुला प्रेजेंट, रेडुला उपस्थित होगा, और उसका फंक्शन क्या होगा अपने पास में? फूड को च्यूइंग करना या ग्राइंड करना, फूड ग्राइंडिंग का फंक्शन होता है इसका। चलो, तो इसके अंदर अपने पास में जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 विषम को चुनिए आवास के आधार पर, सिलेक्ट द ऑड वन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट।
प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, स्टिनोफोरा। तो प्रोटोजोआ अपने पास में कैसे होते हैं, एक्वेटिक होंगे। पोरिफेरा कैसे होते हैं, एक्वेटिक, जो अपने पास में फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव करेंगे और मराइन वाटर के अंदर भी। टिनोफोरा होंगे ओनली लिव इन मराइन वाटर। सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, मोलस्का, ये अपने पास में टेरिस्ट्रियली भी होते हैं। मोलस्का, सिलेंड्रेटा अपने पास में वही एक्वेटिक होंगे, फ्रेश वाटर में रहेंगे और मराइन वाटर में भी रहेंगे। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, आर्थ्रोपोडा, ये अपने पास में हर जगह पे रहते हैं आर्थ्रोपोडा वाले। टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये तीनों अपने पास में कैसे हैं, ओनली एंड ओनली ओनली मराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं। इसलिए इसके अंदर अपने पास में जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जाएगा। 165, ऑक्टोपस से संबंधित कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग ऑक्टोपस। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टार फिश, तारा मछली के नाम से जाना जाएगा, गलत हो गया। इसको अपन कहते हैं डेविल फिश कहते हैं, बेताल मछली कहते हैं इसको, डेविल फिश, बिकॉज ऑफ एट आर्म्स, क्योंकि इसके अंदर एट आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज रिलेटेड टू मोलस्का क्लास, मोलस्का क्लास नहीं अपने पास, वो क्या एक फाइलम है, इसलिए भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। मोलस्का वर्ग से संबंधित है, संघ से संबंधित होगा। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर अपने पास में भी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि ये सिफिलोपोडा क्लास में आता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होगा। थर्ड ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अनुच्छेद को पंडित रेखांकित शब्दों पर विचार कीजिए। रीड फॉलोइंग पैराग्राफ एंड कंसिडर द अंडरलाइन वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एनिमल्स ऑफ दीज फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो ये अपने पास में क्या करेक्ट होगा, ये रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी करेक्ट है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी करेक्ट होता है। और सेलुलर टाइप का बॉडी ऑर्गेन्स प्रेजेंट हो गया, गलत हो गया, सेलुलर नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर जो होता है अपने पास वो कैसा होता है, टिश्यू लेवल का होगा। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, ये भी अपने पास में करेक्ट होगा। तो इसके अंदर कहने का मतलब ये पैराग्राफ दिया है और उसके अंदर अंडरलाइन क्या है, और अपने को बताना है कि कितने इसके अंदर क्या होंगे, करेक्ट होंगे या कितने इनकरेक्ट है ये। तो इसने पूछा, करेक्ट पूछा इसने, तो सभी सदस्य कैसे होते हैं, समुद्रीवासी, सही है ये। और ये समिति पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक होते, द्विकोरिक होते और कोशिकीय श्रेणी का होगा, उत्तक प्रकार का होता है, ये गलत हो गया। जनन केवल लैंगिक होता है, तो ये राइट हो गया। तो एक, दो, तीन और चार, तो 1, 2, 3 एंड 4 इसके अंदर अपने पास में स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो सेकंड जाएगा यहां पर। 167, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन किस जंतु के लिए सही है। गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर विच एनिमल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है। एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स मतलब सारे के सारे कहां पर रहेंगे, समुद्र में रहते हैं, मराइन वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो हाइड्रा, ये तो अपने पास फ्रेश वाटर में रहेगा, तो इनकरेक्ट हो गया। फेशोला, ये तो पैरासाइट होता है। लिम्यूलस, फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्टमा, मतलब ये बात करें अपने पास में अर्थवर्म के बारे में, केंचुए के बारे में, और वो तो अपने पास में क्या होगा, फेरेटिमा, तो ये अपने पास में मोइस्ट कंडीशन में रहेगा, तो इनकरेक्ट हो गया। प्लूरो ब्रेनकेन, टिनोफ प्लाना, ये किसके एग्जाम्पल है, टिनोफोर आगे, और टिनोफोर अपने पास में एक्जुअली कहां पे रहेगा, मैरिन वाटर के अंदर सर्वाइव करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, तो इसके अंदर जाएगा फोर्थ ऑप्शन जाएगा 167 में। 168, प्लेटी हेलमिंथेज के विषय में क्या सत्य है। व्हाट इज ट्रू अबाउट प्लेटी हेलमिंथेज, दे मे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनकरेक्ट हो गया। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल तो अपने पास में कहां से डेवलप होती है, एसके हेलमिंथेज से। एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट और मे बी एबसेंट इन सम मेंबर्स, दिस इज करेक्ट होगा। कुछ सदस्यों में आहार नाल अपूर्ण होती है, फिर क्या होगी, एबसेंट होगी अपने पास में, ये करेक्ट होगा। ऑल मेंबर्स हैव लोअर सीलेटेड एपिडर्मिस विद रेबडोइड क्रिस्टल्स, ये भी क्या हो गया अपने पास में, इनकरेक्ट होगा, ये सारे मेंबर्स में प्रेजेंट नहीं होते। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा अपने पास में, कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। तो इसके अंदर सेकेंडरी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 169, द एसके हेलमिंथेज आर कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स बिकॉज, एसके हेलमिंथेज को गोल कृमि कहा जाता है, रीजन क्या होगा उसके पीछे, उसके पीछे रीजन ये कि जब उसको अपन क्रॉस सेक्शन करते हैं, मतलब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे इस टाइप से, तो वो कैसे दिखाई देंगे, राउंड दिखाई देते हैं।
इसलिए इसको अपन क्या कह देंगे, राउंड वर्म कहेंगे, गोलकर्मी कहते हैं इनको। और जो प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं वो अपने पास में क्या होते हैं, फ्लेट वर्म, क्योंकि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस से वो कैसे होते हैं, फ्लेट होते हैं। तो दे हैव राउंड एंड स्पाइरल बॉडी रोंग, देयर बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ये अनुप्रस्थ काट में इनका शरीर कैसा होगा, गोल दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, गोल कर्मी कहा जाता है। उसके पीछे रीजन पूछा इसने, बाइलेटरल सिमेट्री होते, लेकिन वो अपने पास में रीजन नहीं है कि वो अपने पास में कैसे होंगे, उसी की वजह से वो राउंड होते हैं। देयर बॉडी हैव ए राउंड विसरल हंप, इनकरेक्ट हो गया, मोलस्का का कैरेक्टर होगा ये। तो सेकंड ऑप्शन आएगा इसके अंदर। 170, निम्न में से किस समूह में सभी आर्थ्रोपोडा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्थ्रोपोड्स, सी एनिमोन, समुद्री एनिमोन, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सिलेंडेटा का एग्जाम्पल हो गया, लिमुलस आर्थ्रोपोडा का, क्रेप केकड़ा आर्थ्रोपोडा, यूपेगेरस पोरिफेरा। तो पहला तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, लोकस्टा लिमुलस इकाइनस, इकाइनस किसका एग्जाम्पल है, इकाइनोड्रेमेटा का एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, फेरेटिमा ड्रैगन फ्लाई एडीज स्पाइडर। तो फेरेटिमा किसका एग्जाम्पल अपने पास में, अर्थवर्म का, तो इसके अंदर जाएगा थर्ड, सॉरी ये भी इनकरेक्ट हो गया, स्कॉर्पियोन स्पाइडर लिमुलस, ये किसका एग्जाम्पल अपने पास में, आर्थ्रोपोडा के मेंबर ही है, तो इसके अंदर जाएगा फोर्थ ऑप्शन जाएगा 170 में। क्वेश्चन नंबर 171, ट्रू सिलोम इज द स्पेस बिटवीन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल एनक्लोज बाय द लेयर्स ऑफ, आहार नाल की भित्ति के बीच का अवकाश वास्तविक देवगुहा कहलाता है, यह किसकी परतों के बीच में होता है। मतलब जैसे होता क्या अपने पास में, ये एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है ये, और ये क्या होगी अपने पास में, बॉडी वॉल हो गई। तो इनके बीच में जो स्पेस होगा उसे अपन क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन नहीं होती कि वो अपने पास में किसके थ्रू सराउंडेड होनी चाहिए, मेसोडर्म के थ्रू, तभी इसको क्या कहेंगे अपन, सिलोम कहते हैं या फिर बॉडी कैविटी कहते हैं इसको। तो मेसोडर्म वन साइड, एक्टोडर्म ऑन अदर साइड, इनकरेक्ट हो गया, बोथ साइड आर कवर्ड बाई मेसोडर्म, एक तरफ एंडोडर्म तो दूसरी तरफ एक्टोडर्म, ये भी इनकरेक्ट हो गया, एंडोडर्म ऑन वन साइड एंड एक्टोडर्म ऑन अदर साइड, मेसोडर्म ऑन बोथ साइड, से क्या होगा अपने पास में, करेक्ट होगा। तो इसके अंदर जाएगा थर्ड ऑप्शन जाएगा दोस्तों। 172, हुकवर्म किसका सामान्य एग्जाम्पल नाम होगा, ये अपने पास में क्या है, एसके हेलमिंथीज का मेंबर होगा, और इसको अपन क्या कहते हैं, मिंथेज, ये एनसाइलोस्टोम होगा, सेकेंड ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। 173, दिए गए चित्र ए बी सी डी के संबंध में उस विकल्प को पहचाने जो उनके सही नाम को दर्शाता है, मतलब फिगर दे उनको अपने को आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में बात की जाए ए के बारे में, तो ए अपने पास में क्या है, मेडुसा, बी क्या है, पॉलिप, ये है निडोब्लास्ट कोशिका है, सेल है, और ये अपने पास में क्या हो गया, प्लूरोब्रेन क्या, टिनोफोरा का मेंबर होगा। तो मेडुसा किस में प्रेजेंट होती है, ओरिलिया में ही प्रेजेंट होती है, जिसे अपने कहते हैं जेली फिश कहते हैं। तो ए प्लूरोब्रेन क्या, इनकरेक्ट हो गया, ए ओरिलिया ठीक है। पोलिप किस में प्रेजेंट होगा, ये अपने पास प्रेजेंट होता है हाइड्रा में और एडम्सिया में, इन दो में प्रेजेंट होगा। तो एडम्सिया ये अपने पास में क्या होगा, करेक्ट होगा ठीक है। सी निडोब्लास्ट सेल है, निडोब्लास्ट सेल, और डी क्या हो गया, प्लूरोब्रेन क्या, तो इसके अंदर जाएगा सेकेंड ऑप्शन जाएगा। 174, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये किसके मेंबर है, प्लेटी हेलमेंथीज के, ये है लिवर फ्लूक, और ये है, ये अपने पास में हो गया टीनिया सोलियम, टेप वर्म कहते हैं जिसको अपन, फित्ताकर्मी। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड इन ए, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अपने पास में एसके हेलमेंथी से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। बी इज फ्री लिविंग इन फ्लूक, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बी स्वतंत्र जीवी फ्लूक है, ये तो अपने पास में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके कहां पर प्रेजेंट होगा, लीवर के अंदर प्रेजेंट होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, लीवर फ्लूक, यकृत कर्मी होगा, तो पैरासाइट होता है ये, फ्री लिविंग नहीं होगा, तो सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। ए एंड बी बोथ आर फ्री लिविंग एंड ए एग्जिबिट सेगमेंटेशन, नॉट सेगमेंटेशन, ये अपने पास में क्या होता है, जो बी होगा, सॉरी ए होगा अपने पास में टीनिया सोलियम, उसके अंदर सुडो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, सेगमेंटेशन जो स्टार्ट होगा वो होगा एनिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा, और वैसे भी अपने पास में दोनों क्या है, पैरासाइट है ये, तो इसलिए इनकरेक्ट हो गया। बी पोजेज ओरल एंड वेंट्रल सकर, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके, इसलिए ये अपने पास फोर्थ क्या होगा, करेक्ट होगा। 175,
स्पंजों का नाल तंत्र किसमें सहायक होता है? कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, सही है। रेस्पिरेशन एक्सचेंज, ये भी सही होगा अपने पास में, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा। उसके अलावा वॉटर ट्रांसपोर्ट जल का परिवहन करने में, और एक आएगा अपने पास में एक्सक्रीशन या रिमूवल ऑफ वेस्टेज, उत्सर्जन में क्या करेगा, ये हेल्पफुल करेगा। ये दो फंक्शन और होते हैं इसके। 176 मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडाइज, आर्थ्रोपोडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या होगा? एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनकरेक्ट हो गया। एक्सोस्केलेटन होगा वो किससे बना होगा अपने पास में, काइटिन से होगा, इसलिए इनकरेक्ट है ये। एब्सेंस ऑफ एंटीना एंड कंपाउंड आई, एंटीना बस संयुक्त नेत्र की उपस्थिति, ये भी इनकरेक्ट हो गया, प्रेजेंस होता है वहां पे। तो जॉइंटेड अपेंडेज, संयुक्त उपाग होंगे, ये अपने पास में क्या है, करेक्ट है ये। तभी इसका नाम अपने पास में क्या है, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रो का मीन होता है अपने पास में जॉइंटेड, संधित, और पोडा का मीन होगा वो क्या होगा अपने पास में, अपेंडेजेस, उपांग। इसके जो अपने पास में लेग्स वगैरह होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए इसको अपने कहते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस कहेंगे। तो थर्ड इसके अंदर सही होगा, थ्री पेयर ऑफ लेग्स एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रेकिया, ये क्या हो गया अपने पास में, इनकरेक्ट हो गया ये। रीजन क्या होगा, ये अपने पास में शोर नहीं है कि जितने भी आर्थ्रोपोड होंगे उन सबके अंदर अपने पास में थ्री पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट हो और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो, ट्रेकिया ही हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी एनिमल जिसके अंदर बुक लंग्स होंगे, उसके अलावा बुक गिल्स होते हैं, इसलिए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसके अंदर ऑप्शन जाएगा थर्ड ऑप्शन। 177 ए एंड आर क्वेश्चन, असर्शन एंड डिविजन की क्वेश्चन है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन सिलेंडेटा, ये क्या होगा अपने पास में, करेक्ट है ये। सिलेंडेटा में एरिया सममिति पाई जाती है, ये क्या है अपने पास में, करेक्ट है ये। इन रेडियल सिमेट्री बॉडी इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाल्व्स थ्रू द ओनली वन प्लेन, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहां पर थ्रू द एनी प्लेन, किसी भी तल से बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बोलो, इसलिए अपने पास में आर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और ए अपने पास में क्या करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। 178 टिनोफोर जंतु जगत में अपनी सुंदरता तथा कोमलता के लिए प्रसिद्ध है, ये करेक्ट होगा। टिनोफोर आर फेमस फॉर देयर ब्यूटी एंड डिलीशी इन एनिमल किंगडम, करेक्ट है ये, क्योंकि इसके अंदर किसका कैरेक्टर होगा, बायोल्यूमिनेंस का कैरेक्टर होता है। टिनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज कॉम जेली, ये भी अपने पास में करेक्ट है, टिनोफोर को सामान्यतः कंग जेली कहा जाएगा, लेकिन यहां पर एक्सप्रेशन नहीं इसका, इसलिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड ऑप्शन जाएगा। ए एंड आर बहुत करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। 179 ऑल द फ्लैट वर्म्स आर सुडोसिलोमेट, सभी चपटे कर्मियों में कूट गुदे हुआ पाई जाती है, चपटे कर्मी मतलब प्लेटी हेलमिंथीज, और वो कैसे होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं वो, ए सिलोमेट, इसलिए अपने पास में क्या हो गया, 179 के अंदर फोर्थ ऑप्शन जाएगा। 180 कंसिडर फॉलोइंग फाइला, निम्न संघों पर विचार कीजिए, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, एनलिडा, चलो जो भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज रिप्रेजेंट बाई मोस्ट ऑफ दिस फाइला, निम्न में से कौन सी सम्मिति इनमें से अधिकांश संघों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, चलो टिनोफोरा में कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होती है, इकाइनोडर्मेटा में अब लार्वा, ना लार्वा बोला ना एडल्ट बोला, तो इसको अपन जब तक लार्वा एडल्ट के बारे में बात नहीं करेगा तब हमेशा एडल्ट ही मानते हैं, तो इसके अंदर होगी रेडियल सिमेट्री। एनलिडा में कौन सी होती है, बाइलेटरल, आर्थ्रोपोडा में कौन सी होगी, बाइलेटरल, प्लेटी हेलमेंथिस में कौन सी होगी, बाइलेटरल, पोरिफेरा कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, तो तीन फाइलम ऐसे हैं जिसके अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है, तो यहां पर ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। 181 चित्रात्मक प्रस्तुति को पहचानिए और इसके लिए दिए गए सही कथन को चुनिए, आइडेंटिफाई द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट फॉर इट, ये मेल हो गया फीमेल हो गया, किसका एग्जाम्पल है, ये एसके हेलमेंथिस के एग्जाम्पल है। इट हैज वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ये अपने पास में क्या करेक्ट है ये, इसमें सुविकसित पेशी ग्रसनी होती, क्योंकि यहां से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या हो जाती है, स्टार्टिंग मानी जाती है। एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस, उत्सर्जन सामान्य सतह द्वारा होता है, गलत हो गया, इसके अंदर रेनेट सेल्स प्रेजेंट होंगे तो इनकरेक्ट हो गया। इट हैज साइजोसिलोम, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये तो अपने पास में कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। एनिमल हैज बाइलेटरल सिमेट्री बट डिप्लोब्लास्टिक,
बायलेटरल सिमेट्री तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसलिए भी क्या होगा इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा 181 में, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। 82, निम्न कथनों को पढ़िए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट बट एंटीरियर सोलोमेट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने पास में क्या होगा, किसके अंदर एब्सेंट होगा, मोलस्का में तो अपने पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे मोलस्का के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर अपने पास में गिल्स के थ्रू करेगा, मेंटल कैविटी में वो ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये करेक्ट हो गया। इकाइनोड्रमेटा में अपने पास में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में भी वो अपने पास में जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करता है। और आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जैसे मालपीजियन ट्यूबल्स हो गई, उसके अलावा कोक्सल ग्लैंड हो गई, ग्रीन ग्लैंड हो गई, ये सब पाए जाते हैं इसके अंदर, इसलिए अपने पास में क्या हो, ये भी करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इसके अंदर तो प्रेजेंट होते हैं, सिलेंट्रेटा में जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करेगा वो। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, एडल्ट होगा उसके अंदर कौन सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड जाएगा, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। फर्टिलाइजेशन वैसे बाहर ही होता है, और ये अपने पास में किसका एग्जाम्पल होगा, एंटेरोसोलोम का, ये भी सही है, तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन जाएगा। 183, निम्न में से कौन सी स्पंज सौजल में पाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, दैट इज स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज इसलिए कहते हैं इसको, सेकंड। 184, प्रथम संघ जिसमें जठरवाहिनी गुहा होती है, फर्स्ट फाइलम टू हैव गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, दिस इज सिलेंट्रेटा, इसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है और वो हाइपोस्टोम के थ्रू क्या करती है, बाहर खुलती है। 185, निम्नलिखित में से चपटे कृमि की अपार पुनर्जन्म की क्षमता पाई जाती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैटवर्म्स हाई पावर ऑफ रीजनरेशन फाउंड इन, वो कौन सा होगा अपने पास में, डोगियसिया, प्लेनेरिया होता है अपने पास में, थर्ड ऑप्शन जाएगा। मैक्सिमम रीजनरेशन की कैपेसिटी, सेक्शन बी 186, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, सिलेंड्रेटा में नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगी, करेक्ट है ये, किनोफोरा होगा, लेसुले सेल्स होती है, ये भी अपने पास में क्या होगा, करेक्ट है ये, प्लेटी हेलमिंथेज राउंड वर्म्स होते हैं, गोल कर्मी, नोट दीज आर फ्लैट वर्म्स, चपटे कर्मी होते हैं वो, इसलिए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। निमेटोड रेनेट सेल्स, एस के हेलमिंथेज के बारे में बात कर रहा है ये, इसलिए इसके अंदर अपने पास में कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। 187, एस्केरिस को पहचाना जाता है, एस्केरिस इज कैरेक्टराइज बाय, एस्केरिस अपने पास में कौन से फाइलम के अंदर आएगा, एस के हेलमिंथेज के अंदर, तो एब्सेंस ऑफ ट्रुसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, यानी कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, खंडी बोन, तो ये क्या हो गया अपने पास में, इनकरेक्ट हो गया, सेगमेंटेशन तो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा में ही प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रुसिलोम नॉर मेटामेरिज्म, ना तो वास्तविक सिलोम की उपस्थिति होगी ना ही विखंडी बोन होगा, क्योंकि ये कैसे होते, सुडोसिलोमेट होते, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, तो 187 में 2 जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ट्रुसिलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, ये क्या हो गया अपने पास में, इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, और दोनों प्रेजेंट होंगे, ये भी अपने पास में इनकरेक्ट हो गया, तो इसके अंदर जाएगा सेकंड। 188, कौन सा कथन है, असत्य है, एनिमिलिया जगत के सभी प्राणी बहुकोशिकीय के होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ द किंगडम एनिमिलिया आर मल्टीसेलुलर, ये करेक्ट है। नेचर ऑफ सिलोम इज यूज एज वन ऑफ द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, देख हुआ कि प्रकृति के आधार पर अपन जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, करते तो है ही कि वो एसिलोमेट होंगे, सुडोसिलोमेट होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं, उसके अंदर भी दो कैटेगरी, साइजोसिलोम एंड एंटेरोसिलोम, तो इट इज करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन नाउ एज एवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मिलियन जातियों से ज्यादा जंतु वर्गीकरण किए जा चुके हैं, ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अपने पास में नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, इसलिए तो क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, ताकि उनको अपन इजीली क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, ये इनकरेक्ट हो गया। द अरेंजमेंट ऑफ द सेल इन द बॉडी वन ऑफ द क्लासिफाइंग फीचर ऑफ द एनिमल्स, शरीर में कोशिकाओं की व्यवस्था जंतुओं की वर्गीकरण की विशेषता होती है, ये भी अपने पास में क्या होगा, करेक्ट होगा, तो इसके अंदर जाएगा थर्ड ऑप्शन 188 में। द ओनली इनकरेक्टली मेज पेयर इज, केवल युग्मित मिलान गलत है, पोरिफेरा सेलुलर लेयर का पाया जाएगा उसके अंदर सही है, निडेरिया टिश्यू लेवल का बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी अपने पास में करेक्ट होगा, एनलिडा ऑर्गन लेवल ओनली, ये क्या हो गया अपने पास में गलत होगा, इसके अंदर कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा थर्ड ऑप्शन।
190 मैच द कॉलम फर्स्ट विद सेकंड. ए वेक्टर ऑफ डिजीज जो अपने पास में वाहक होता है रोग का, वो इनमें से कौन सा है? क्यूलेक्स है. तो ए में जाएगा अपने पास में फोर्थ जाएगा, ए में फोर्थ. ए ग्रीग्रियस पेस्ट यूथ पीड़ा कीट होता है वो अपने पास में तो लोकस होता है, टिड्डी होता है, तो बी में जाएगा अपने पास में थर्ड. ए लिविंग फॉसिल वो कौन सा होगा? लिमनोस होगा, तो सी में जाएगा अपने पास में सेकंड. और एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट बॉम्बिक्स, हनी भी कहते हैं जिसको अपन लोग, फोर्थ. तो इसमें जाएगा अपने पास में फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा. 191 डाइजेशन इन सिलेंटेट्स इज, सिलेंटेटा में जो पाचन होगा वो कैसा होता है? इंट्रा और इंटरसेलुलर बोथ टाइप प्रेजेंट होगा इसके अंदर. तो 191 में थर्ड ऑप्शन जाएगा. कॉम जेलीज आर, कॉम जेली किसका नाम होगा? टिनोफोरा का नाम होगा. एंड जेली फिशेज किसके अंदर आते हैं अपने पास में? ये आते हैं मेडुसा स्टेज, किसकी? सिलेंटेटा की. तो ये अपने पास में यहां पर आ जाएगा टिनोफोरा एंड जेली फिशेज. जेली फिशेज अपने पास में आ जाएंगी सिलेंटेटा, निडेरियंस. तो इसके अंदर जाएगा थर्ड ऑप्शन जाएगा. 93 बायोल्यूमिनेंस इज वेल मार्क्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला. ये किसका कैरेक्टर होगा? टिनोफोरा कैरेक्टर होगा. जेव संदीप्ति अपने पास में टिनोफोरा कैरेक्टर होता है. 194 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवाश्म को सही परिभाषित करता है? अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया लिविंग फॉसिल्स का मतलब होता है कि जब से उनका ओरिजिन हुआ है तब से लेकर एट द प्रेजेंट टाइम उनके अंदर किसी भी टाइप से कोई भी चेंजेज नहीं आए. वो क्या होगा अपने पास में? बायोल्यूमिनेंस होगा. तो जंतु अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक अपरिवर्तित होगा. जंतुओं के शरीर में इनके निकटतम संबंधी जंतुओं के लुप्त होने का बहुत ये रोंग हो गया. जंतुओं में इसके उद्गम से लेकर लुप्त होने तक कोई परिवर्तन, इनकरेक्ट. जंतु इसके उद्गम से लेकर अभी तक अपरिवर्तित, ये भी इनकरेक्ट हो गया. तो द एनिमल रिमेंड अनचेंज टिल डेट फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स ओरिजन, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा दोस्तों इसके अंदर. देर आर वेरी फ्यू चेंजेस इन एनिमल्स बॉडीज सिंस द टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन टू इट्स क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, ये भी इनकरेक्ट हो गया. There is no change in animals since its origin to its extinction. ये भी incorrect हो गया. The animal remained unchanged from its origin but slowly undergoing changes. ये भी incorrect हो गया. 195 The respiratory organs of arthropods are. Arthropoda में श्वसन अंग है. Tinidia ये mollusca का होगा, तो ये incorrect हो गया. Book gills, book lungs and trachea. ये अपने पास में क्या होगा? Correct होगा. Second option जाएगा. बुक गिल्स किस में पाए जाएंगे? लिमुलस में. बुक लंग्स किस में पाए जाएंगे? स्कॉर्पियन, स्पाइडर में, मकड़ी, बिच्छू में. और ट्रेकिया इंसेक्ट के अंदर. बुक लंग्स, ट्रेकिया एंड मेंटल. मेंटल अपने पास में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है. बुक गिल्स लंग्स एंड बुक लंग्स. लंग्स अपने पास में आर्थ्रोपोडाज में एबसेंट होते हैं, तो इसके अंदर जाएगा सेकेंड ऑप्शन जाएगा. 196 मेसोगैलिया क्या होती है? ये जो अपने पास में लेयर होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर होगी जिसे हम क्या कह देते हैं? मेसोडर्म कह देते हैं. और ये अपने पास में क्या होती है? अविभेदित जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनका ग्रुप होती है. अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स. तो ए जर्मिनल लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये अपने पास में करेक्ट होगा. एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के बीच उपस्थित जननिक परत, जननिक परत नहीं होती है, जननिक परत तो मेसोडर्म होती है. इनकरेक्ट है ये, जर्मिनल लेयर नहीं आएगा. एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के बीच उपस्थित अविभेदित परत, तो सेकंड ऑप्शन जाएगा. अनदर नेम ऑफ मेसोडर्म, इनकरेक्ट हो गया. त्वचा की एक स्पॉन्जी परत है, इनकरेक्ट है ये, तो इसके अंदर जाएगा सेकंड ऑप्शन जाएगा. 197 मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड. कोइनोसाइट्स होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगी? पोरिफेरा में प्रेजेंट होती हैं, फ्लेजुलर मूवमेंट शो करती हैं. नीडोब्लास्ट होंगी वो किसके अंदर होंगी? सिलेंटेटा में होंगी. फ्लेम सेल्स होती हैं प्लेटीहेलमिंथस के अंदर. ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन कॉम्प्लेट किस में? टिनोफोरा में. तो ए में जाएगा थर्ड, तो बी सेकंड और फोर्थ गलत हो गए. नीडोब्लास्ट होगा वो सिलेंटेटा में, तो बी में जाएगा फोर, बी में फोर. ए के ऑप्शन है कौन सा? थर्ड ऑप्शन. 198 ट्रू मेटाजेनेसिस इज, देखो मेटाजेनेसिस इसी का नाम होता है अपने पास में अल्टरनेशन ऑफ जेनेसिस. पीडी एकांतरण भी कहते हैं इसको. जब पोलिप होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो? मेडुसा में. और मेडुसा पोली में कन्वर्ट हो किसके थ्रू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू.
इस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह देते हैं। तो आप इसको याद कैसे करोगे, पाम से याद कर लेना दोस्तों, पाम। पी का मीन क्या होगा, पॉलिप। ए का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम का मतलब मेडोसा, मतलब पॉलीमेडोसा में कन्वर्ट होगा किसके थ्रू, एसेक्सुअल, और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेक्सुअल के थ्रू मेडोसा पॉलिप में। तो व्हेन मेडोसा प्रोड्यूस पॉलिप एसेक्सुअली एंड पॉलिप प्रोड्यूस मेडोसा सेक्सुअली, व्हेन पॉलिप प्रोड्यूस मेडोसा एसेक्सुअली, तो अपने पास में क्या होगा, व्हेन पॉलिप प्रोड्यूस मेडोसा एसेक्सुअली, जब पॉलिप अलैंगिक रूप से मेडुसा का निर्माण करे और मेडुसा लैंगिक रूप से पॉलिप का निर्माण करे, तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड जाएगा इसके अंदर, व्हेन मेडुसा प्रोड्यूसेस मेडुसा प्रोड्यूस मेडुसा एस सेक्सुअली, इनकरेक्ट हो गया, व्हेन पॉलिप प्रोड्यूस पॉलिप, ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो इसके अंदर जाएगा सेकंड। 199 सिलेंट्रेटा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग टू सिलेंट्रेट्स, दे पोजेस ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, ये अपने पास में क्या करेक्ट होगा, उसके अंदर एक ही ओपनिंग होती है, इसलिए अपने पास वो कैसे एनिमल होते हैं, ब्लाइंड से एक एनिमल होते हैं, अंधकोश प्रकार का बॉडी प्लान होगा उनके अंदर। द पॉलीफॉर्म इज मोटाइल विद मेडुसा इज सेसाइल, पॉलिप तो अपने पास में कैसा होगा, सेसाइल, वो स्थावर, एक जगह पे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं वो, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द मेडुसा फॉर्म इज सेसाइल वाहिल, पॉलिप में भी मोटाइल और सेसाइल, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। The medusa and polyp both may be motile or sessile. ये incorrect हो गया अपने पास में। तो इसके अंदर जाएगा first option 199 के अंदर। 200. Select the correct match. Adamsia होगा, sea pen incorrect हो गया। Adamsia को तो sea anemone कहते हैं अपन लोग। Mandrina, ये mandrina है यहाँ पे। Brain coral, ये अपने पास में क्या होगा, correct होगा। Gorgonia, sea anemone, sea fan कहते हैं इसको। Penitula, इसे sea pen कहेंगे। तो इसके अंदर एक ही correct match है, कौन सा, 200 वाला। ओके दोस्तों, थैंक यू।